क्या हुआ ड्रू मैकेंटायर और बॉबी लैशले के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान? टैग टीम बैटल रॉयल को जीत करके किस टीम को चैंपियंस के खिलाफ मौका मिला? शेमस की हालत कैसी है और शाइना बेजलर ने क्या अलेक्सा ब्लिस से पंगा लेके गलती कर दी? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत टैग टीम बैटल रॉयल से होती है जो कि आरके ब्रो वर्सेस न्यू डे वर्सेस विकिंग राइडर्स वर्सेस टी बार मेस वर्सेस लूचास के बीच हुआ। अब पांचों टीम रिंग में होती हैं, तभी एजे स्टाइल और ओमास की एंट्री हुई। एजे स्टाइल कहते हैं कि बैटल रॉयल स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं इसमें पार्ट लेने के लिए। फिर वो यही कहते हैं कि जो जीतेगा उसके खिलाफ हम टाइटल डिफेंड करेंगे। फिर वो वन बाय वन टीम्स को टारगेट करते हैं। फिर एंड में वो आते हैं आरके ब्रो पर, तभी रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को चुप रहने के लिए कहते हैं। मैट रिडल बताते हैं कि वो कैसे चुप रहे हैं, अपने मुंह पे ताला लगाओ और चाबी को लॉक करके फेंक दो। बट रैंडी ऑर्टन उन्हें भी चुप रहने को कहते हैं। फिर एंट्री होती है द मेज और मॉरिसन की। मेज आके सबसे पहले इंटरप्ट करने के लिए सॉरी कहते हैं। मॉरिसन कहते हैं कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम WWE के बेहतरीन सुपरस्टार में से एक हो। मेज कहते हैं मैं बैकलैश में इंजर्ड हुए, इसलिए हमारे बिना टैग टीम डिवीजन ड्राई है, इसलिए मैं तो इसमें पार्ट नहीं ले सकता, बट मेरे हाफ पे मॉरिसन इस बैटल रॉयल का पार्ट होगा। अब फाइनली जाके इनके बीच मैच शुरू होता, बट उससे पहले ही ये आपस में भिड़ जाते हैं, जहां लिंसे डोराडो को रैंडी ओटन आरक्यू देते हैं। अब जाके फाइनली मैच शुरू हुआ, सब एक दूसरे पर टूट पड़े, बट मॉरिसन रिंग कॉर्नर में चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। बट कुछ देर बाद उन्होंने अपना टारगेट लिंसे पे सेट करा, क्योंकि वो भी अपनी टीम के अकेले थे। न्यू डे और आरके ब्रो भिड़ रहे थे, वहीं टी बार मेस विकिंग राइडर से भिड़ रहे थे। वहीं मॉरिसन ने लिंसे डोराडो को इस मैच से एलिमिनेट करा। अब मिज और मॉरिसन ने बड़ा फन कराया, मॉरिसन को टी बार और मेस ने घेरा, तो रिंग के बाहर से मिज ने पिचकारी भर के मॉरिसन को दी। उन्होंने दोनों के मुंह पे मारी, बट उन्होंने उठा के मॉरिसन को एलिमिनेट कर दिया। काफी देर टी बार और मेस ने डोमिनेट करा, बट सब फिर समझ गए कि इन दोनों को पहले रिंग से बाहर करो, हम सब तो आपस में निपट लेंगे, इसलिए सब ने मिलके इन दोनों को रिंग के बाहर करा और एलिमिनेट कर दिया। अब बची तीन टीम आपस में भिड़ती दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब मैट रिडल बाहर हुए, फिर जेवियर वुड्स रिंग में, रैंडी ऑर्टन, कॉफी किंगस्टन और विकिंग राइडर्स बचे हुए थे। रैंडी ऑर्टन अब फाइट बैक करते हुए विकिंग राइडर्स में मार देते हैं, तभी कॉफी किंगस्टन रैंडी ऑर्टन में मूव देने को रेडी थे, तभी वहां मैट रिडल आ जाते हैं और कॉफी का मूव उन पे लग जाता है। रैंडी ऑर्टन ने मौका देख करके कॉफी किंगस्टन को बाहर करा और पीछे से विकिंग राइडर्स ने रैंडी ऑर्टन को बाहर करा और मैच यहां विकिंग राइडर्स ने जीत लिया और चैंपियंस के खिलाफ टाइटल का मौका पा लिया। अब हमें अलायंस दिखे, जो आके कहते हैं कि लास्ट वीक मुझे रायकर को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अनहेल्दी हो गया है, जो कि मेरे करियर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मुझसे उसे दूर जाना पड़ा। कुल मिला के ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। काफी देर से अलायंस पक पक कर रहे थे, तो रायकर ने आके उन पे पीछे से अटैक करा, खूब मारा, गिटार विटार उनका सब फोड़ डाला। इसके बाद हमें अलायंस वर्सेज रायकर के बीच मैच दिखा। बैल बजते ही रायकर अलायंस पर टूट पड़ते हैं। पहले से ही अलायंस मार खा के चुके थे, बट रायकर ने रिंग में बहुत मारा। अलायंस ने फाइट बैक करा, बट रायकर ने मारने के बाद अलायंस रिंग छोड़कर चले गए, जिसके बाद काउंट आउट की वजह से जीत यहां रायकर की हुई। अब टाइम था बॉबी लैशले और ड्रू मैकेंटायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। ड्रू मैकेंटायर की एंट्री होती है, रिंग में एडम पियर्स और सोनिया डेविल भी मौजूद थे। बॉबी लैशले अभी आए नहीं थे, तो ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि मैं लैशले का वेट नहीं करूंगा। फिर वो कहते हैं कि एक राजा था जिसको स्कॉटलैंड के गुलाम होने की वजह से छिपना पड़ा था, उसने फिर एक मकड़ी को देखा जो गुफा में अपने जाल को चिपकाने की कोशिश कर रही थी। मकड़ी काफी देर बाद सक्सेस हुई, राजा ये सब देख रहा था, जिससे राजा को फिर से लड़ने का मोटिवेशन मिला। फिर वो लड़ा और स्कॉटलैंड को फ्रीडम मिली। ड्रू कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो हेल इन सेल में जीतने के लिए जरूरी होगा। ड्रू मैकेंटायर अब साइन करने वाले थे, तभी स्क्रीन पर MVP दिखाई दिए। उनके साथ बॉबी लैशले और लड़कियां वगैरह थीं। वो कहते हैं कि डिस्कस करने के लिए कुछ है, तभी इनकी एंट्री होती है। MVP आगे कहते हैं, ड्रू मैकेंटायर सबसे पहले तो तुम्हें बधाई, एक बार फिर से मैनिपुलेट करके बॉबी लैशले को फेस करने का मौका मिल गया, वो भी हेल इन सेल में। बॉबी लैशले इसके बाद एक बड़ी स्टिपुलेशन सामने रखते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकेंटायर, अगर तुम हेलेनस सेल में मुझसे हार गए तो तुम मुझसे फिर कभी टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करोगे। ड्रू मैकेंटायर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी कुछ चाहिए, ये मैच इनसाइड हेल इन अ सेल होगा। बॉबी लैशले मान जाते हैं। अब ये दोनों साइन कर देते हैं, बॉबी लैशले उठते हैं और लड़कियां मस्त झूमने लग जाती हैं, तभी ड्रू मैकेंटायर अपनी तलवार से टेबल को तोड़ देते हैं।
अब हमें शेमस की एंट्री दिखाई दी, टेबल पर आके वो बैठ जाते हैं, देन हमें रिकोशे वर्सेस कार्लियो के बीच एक मैच दिखा, जो जीतेगा वो शेमस को यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए फेस करेगा। शेमस कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी की नाक तोड़ने के बाद टाइटल शॉट ले ले। दोनों के बीच मैच शुरू होता है, दोनों ही इस मैच में एक दूसरे के खिलाफ हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाते हैं, जिन्हें देखकर वाकई मजा आया। जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसको मारा, कुछ मूव्स तो वाकई काफी शानदार थे। अब इस मैच का एंड डबल काउंट आउट से हुआ, क्योंकि दोनों रिंग के बाहर ढेर पड़े हो गए थे। अब शो बैक स्टेज गया, जहां कॉफी किंगस्टन और एमवीपी दिखाई दिए। वो कहते हैं कि लास्ट वीक मैं तुम्हारे मैच से काफी इंप्रेस था, मैं बॉबी लैशले का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूं, बट मैं कॉफी किंगस्टन तुम्हारा फैन हूं, तुम मेरे भाई हो कॉफी। एमवीपी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक झलक देखी, तुम WWE चैंपियन बन सकते हो, तुमने जब ड्रू मैकइंटायर से हाथ मिलाया तो उसका क्या फायदा हुआ। कॉफी किंगस्टन कहते हैं मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें जेफ हार्डी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा। शुरू में सेड्रिक जेफ हार्डी पर नी मार के रिंग कॉर्नर में ले जाते हैं, बट उसके बाद जेफ हार्डी सेड्रिक को रिंग के चारों कॉर्नर में दे मारते हैं। जेफ हार्डी थोड़ा हावी दिख ही रहे थे, तभी सेड्रिक ने ड्रॉप किक जेफ हार्डी को दी। सेड्रिक काफी एग्रेशन में दिख रहे थे, ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। एंड में जेफ हार्डी ने स्वांटन बम्प देके मैच जीत लिया। नेक्स्ट समय आस्का निक्की क्रॉस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर रेहर रिप्ले के बीच टैग टीम मैच का। अब वैसे तो रेहर रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर अपोनेंट्स हैं, बट ये साथ में यहाँ पे देखने को मिली। मैच की शुरुआत निक्की और शार्लेट फ्लेयर ने करी। अब ज्यादा कुछ खास तो नहीं है इस मैच के बारे में बताने को, बस इतना है कि निक्की क्रॉस और आस्का ने अच्छी केमिस्ट्री दिखाते हुए रेहर रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर को काफी अच्छा गेम दिखाया। वहीं रेहर रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर के बीच धक्का मुक्की, मारपीट, इन्होंने फिर एक दूसरे को मारा भी। टैग को लेकर ये लड़ती लड़बड़ती दिखाई दी। मैच एंड फेस में था, तब दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। शार्लेट फ्लेयर ने रेहा को मारा, तभी निक्की क्रॉस ने मौका देख करके ढेर पड़ी रेहा रिप्ले को पिन करा और मैच जीत लिया। नेक्स्ट समय मंसूर वर्सेस ड्रू गुल्लक के बीच मैच दिखा। मैच ज्यादा लंबा नहीं चला इन दोनों के बीच और मंसूर ने ड्रू गुल्लक को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें मैट रिडल वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड जेवियर वुड्स भी मौजूद थे। मैच शुरू होता और रेडल कॉफी किंगस्टन पर अटैकिंग मोड में थे। हालांकि कॉफी किंगस्टन हेडबट और पंचेज मैट रिडल को देते हैं। वहीं रिंग के बाहर से जेवियर वुड्स अपना भौंपा बजा के रिडल को इरिटेट कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। वो आके जेवियर वुड्स के पीछे पड़ जाते हैं, तभी रिंग में से कॉफी किंगस्टन रैंडी ऑर्टन को ड्रॉप किक देके गिराते हैं। जेवियर वुड फिर वहीं भौंपा बजा जा रहे थे, तभी रैंडी ऑर्टन आके जेवियर वुड्स को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। एंड में मैट रिडल आरक्यू देने की तैयारी में थे, बट कॉफी किंगस्टन बच के ट्रबल एंड पैराडाइज देके मैच जीत लेते हैं। अब रिंग में अलेक्सा ब्लिस प्लेग्राउंड के साथ दिखाई दी, जहां वो शाइना को इनवाइट करती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि लिली और मैं शाइना को अपने न्यू फ्रेंड बनाने का मौका देते हैं, बट उससे पहले शाइना को लिली से सॉरी बोलना पड़ेगा। जिसके बाद शाइना नाया जैक्स और शाइना बेजलर के वुमेन चैंपियनशिप हारने के पीछे अलेक्सा ब्लिस को ही जिम्मेदार बताती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि तुम लिली को सॉरी बोलो। तभी शाइना लिली को पकड़ लेती हैं और उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि लिली एक बेवकूफ डॉल है। तभी अलेक्सा ब्लिस शाइना बेजलर पर अटैक कर देती हैं, बट शाइना अलेक्सा ब्लिस को रिंग के बाहर निकाल देती हैं। शाइना लिली के ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती हैं और डॉल को मारती हैं। तभी अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है, शाइना रिंग से निकलकर जाने लगती हैं। तभी स्टेज पर वो होती हैं जहां पायरो फटते हैं। शाइना भाग के बैक स्टेज जाती हैं, अपने एक रूम में बंद करके खुद को बंद कर लेती हैं। तभी उनके साथ अजीब अजीब सा होने लग जाता है और रूम में मिरर में उन्हें लिली दिखाई देती है। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशले के बीच उम्मीद थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान कुछ मार धार देखने को मिलेगी, बट वो नहीं देखने को मिली। दोनों के बीच हेलेना सेल पीपीवी के लिए इनसाइड हेलेना सेल मैच अनाउंस हो चुका है। वहीं टैग टीम बैटल रॉयल काफी सही मैच था और आरके ब्रो को देखकर काफी मजा भी आ रहा है। शेमस आज प्रोटेक्टर मास्क के साथ दिखाई दिए। वहीं अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट मेन इवेंट में दिखा के WWE ने शो का एंड खराब कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।